नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जये महोदीरये नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकिम्। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आप सभी वैष्णव चरणों में सादर वंदन है। पुनः हम श्री धाम नवद्वीप की मंगलमयी कथा यात्रा में प्रवेश करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के और उनके प्रिय पार्षदों की पवित्र संकीर्तन रस भूमि है श्री धाम नवद्वीप। श्री राम जी के विषय में वर्णन है कि वे मर्यादा पुरुषोत्तम है और हमारे बंसी वाले ठाकुर जी श्री कृष्ण चंद्र के लिए कहते हैं कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम है। लेकिन करुणा अवतार राधा हृदय भाव सम्मिलित श्री सचिनंदन श्री गौरांग श्री चैतन्य महाप्रभु जी के विषय में वैष्णवों ने कहा है कि ये प्रेम पुरुषोत्तम है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम पूर्ण पुरुषोत्तम से भी अधिक औदार्य उदारता महावदान्यता करुणा सब कुछ गुणों को धारण किए हुए ये अवतार प्रेम अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु की चरण रज से अंकित और संकीर्तन रस से सिंचित ये श्री नवदीप धाम भूमि है और जिसका हम कान के रास्ते से श्रवण के माध्यम से यात्रा दर्शन कर रहे हैं। देखो धामवासी चार प्रकार के होते हैं। एक तो जिन्होंने वृंदावन में या नवदीप धाम में जन्म लिया शरीर धारण किया वे सब धामवासी हैं क्योंकि वहां ही उनका जन्म। हमारा लक्ष्य भी तो यही है बैक टू गॉड है धामवासी बनना है। ये वासी शब्द बड़ा सुंदर है लेकिन हमारे गुजराती में कुछ अलग अर्थ होता है। वासी भोजन कहते हैं ना हमारे यहाँ गुजराती लोग उत्तरायण पर्व मनाते हैं ना तो अहमदाबाद सूरत हम लोग एक तो उत्तरायण मनाते एक वासी उत्तरायण भी मनाते। तो वासी पर्युषितम गीता में भी आया है कि वासी भोजन नहीं करना चाहिए तमोगुणी होता है। तो देखो जो एक जगह पर पड़ा रहे ना
वो वासी हो जाता है, जैसे जल हो या खाने की कोई चीज हो या फिर व्यक्ति भी हो। वासी, वासी मतलब अब क्या कहे, पुराना दुर्गंध युक्त, जो भी कहिए आप समझ लीजिए, गुजराती लोग काफी होता है, आप समझ ही रहे होंगे वासी शब्द किसे कहें। ओके, और हम यहाँ वासी शब्द का कुछ अलग अर्थ आचार्यों ने दिया, लेकिन ये तो गुजराती अपनी भाषा में अपने अर्थ दिमाग में आ जाते हैं, तो मैं आप भक्तों को बता रहा हूँ, लेकिन ऐसे नहीं बता रहा, इसके अंदर कुछ मर्म है, क्योंकि आप वैष्णव का समय बड़ा कीमती होता है, हमें निरर्थक अनर्थक बातें करके अव्यर्थ कालत्वम, रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में कहा ना कि वैष्णव एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गंवाता। तो मैं ये कहने जा रहा हूं कि एक जगह पड़ा रहे, वो पानी हो या व्यक्ति हो या भोजन हो, वासी हो जाता है, लेकिन जो चलता रहे, पानी बहता रहे, साधु चलता रहे, फूड फॉर लाइफ, भोजन डिस्ट्रीब्यूट होता रहे, तो एक जगह पड़ा रहे वो वासी, और जो चलता रहे वो प्रवासी। एक शब्द है हिंदी में प्रवास, है ना, प्रवासी। लेकिन जो भगवान की नित्य लीला में लगा रहे हैं वो ब्रजवासी। तो हमें वासी भी नहीं बनना गुजराती वाला, प्रवासी भी नहीं बनना, हमें ब्रजवासी बनना और धामवासी बनना है। तो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं कि धामवासी चार प्रकार के होते हैं, 1, 2 का 4। तो एक तो हमने कहा कि जो वहां जन्म लिया है धाम की भूमि में, जिन्होंने शरीर धारण किया है, फिर वो मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी कोई भी हो, सब धामवासी है। पेड़ पताल लता लख 84 योनियों में कोई भी शरीर धाम में धारण किया है, तो हम उसे कहते हैं कि ये धामवासी है, ब्रजवासी है। और दूसरा, जो शरीर धाम में धारण नहीं किया, जन्म नहीं लिया, कहीं और जन्म लिया है, बंबई, दिल्ली, अमेरिका, कहीं भी, लेकिन वो सब कुछ छोड़कर उन्होंने निष्ठा बना लिया है कि वो धाम में ही रहेगा। जैसे आज भी हमारे मायापुर नवद्वीप में कई वैष्णव हैं जो वहीं निवास करते हैं, सब कुछ अपना देश छोड़ दिए, हमारे जन निवास प्रभु 40 वर्षों से, इस होली ने जयप्रकाश स्वामी महाराज, आप देखिए 30, 40, 45 वर्ष हो गए प्रभुपाद की सेवा में, इस्कॉन के लिए उन्होंने छोड़ दिया अपना देश, करते हैं। और वो धाम में ही रह रहे हैं, कुछ बाहर निकलते हैं वो भी प्रचार के लिए बस, तो ये भी धामवासी है। उन्होंने जन्म वहां नहीं लिया, लेकिन उन्होंने संकल्प किया कि जब तक जिएंगे धाम में ही रहेंगे। ऐसे और भी है, वृंदावन में भी बहुत वैष्णव है, और केवल हमारे इस्कॉन के ही नहीं, और भी संप्रदाय के और भी बहुत लोग हैं जो शरीर बाहर धारण किए हैं जन्म, लेकिन वो धाम निष्ठ है। तो दूसरे नंबर के ये लोग जो धाम वास कर रहे हैं, तीसरे नंबर के कुछ लोग जो कभी कभी धाम में जाते हैं, साल में एक बार 7 दिन के लिए, गौरमंडल परिक्रमा 17 तारीख कल से हमारे नवद्वीप में चालू हो रहा है, ये 15-17 साल से पहला ऐसा है कि मैं नहीं गया, तो कंटिन्यू हम लोग नवद्वीप यात्रा किए हैं गौरमंडल, ये कुछ लोग कोरोना के कारण फंसे हैं, लेकिन भक्तों फिर भी सौभाग्य बहुत वैष्णव है जो धाम यात्रा कर रहे हैं, करते रहते हैं। आप लोग भी होंगे जो कई बार धाम में आए हो समय निकाल के, तो धामवासी उस उतने दिन तक आप लोग धामवासी, 7 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, ऐसा कहते हैं हमारे नीति शास्त्र में, जीव गोस्वामी संदर्भ में भी लिखे हैं कि जहां पर व्यक्ति का रात वास होता है ना, नाइट स्टे, उस धाम, उस व्यक्ति उसका वासी माना जाता है कि उन्होंने वहां वास किया शरीर से। इसलिए जीव गोस्वामी ने भी निष्ठा बनाई थी कि जिएंगे तब तक धाम से बाहर नहीं रहेंगे। एक बार उनको आगरा जाना पड़ा था, वो भी सम्मेलन था, तो भी रात के पहले आ गए, शाम होने से पहले, वो
गंगा बड़ी की यमुना बड़ी, उस पर बड़ी चर्चा जीव गोस्वामी को बुलाया गया था, ऐसा वृंदावन में सब लोग बताए। फिर भी वो संध्या के पहले आ गए, क्योंकि रात वहां रह जाते तो फिर वो वहां का वास माना जाता, तो दिन में गए 5-6 घंटा लेकिन आ गए। तो रात जहां हो वहां वास माना जाता है। और आप लोग, हम लोग भी कभी कभी धामवासी बने हैं, 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, महीने के लिए। ओके, तो ये तीसरे नंबर के धामवासी। अब चौथे नंबर के धामवासी जो अभी हम है, हमारा नंबर 4 में आता है। हिंदी में बोलना ठीक है, अंग्रेजी में ठीक नहीं, फोर्थ क्लास, फिर भी क्लास तो है अपना, चलो फोर्थ ही सही, लेकिन कुछ तो क्लास है। तो ये भी एक आनंद है, हमें संतोष है। लेकिन चौथे प्रकार का धामवासी कौन? जो अपने स्थान में जहां भी हो लेकिन धाम की लीला को शास्त्रों से, संतों से, वैष्णवों से सुनता रहता और उसके दिल में रहता है कि मैं कब वृंदावन जाऊं, कब नवदीप शोभा देखूं, कब परिक्रमा करूं, भले वो शरीर से कहीं भी बैठा हो, शरीर से वो स्तन में बैठा हो, चाहे यूके में बैठा हो, नैरोबी, कहीं भी बैठा हो, लेकिन उसके मन में इच्छा है, स्ट्रॉन्ग डिजायर, तीव्र इच्छा है कि मैं कब कब कबे हरि हरि कबे हबे सुदीना हमार, कब मेरे जीवन में वो सौभाग्य का सूर्य उदय होगा कि मैं सब कुछ छोड़ के वृंदावन की, नवदीप की यात्रा करूंगा, दर्शन, ऐसा मन में भाव, प्रीति तद वसती स्थले, जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में है ना कि भगवान जहाँ लीला किए हैं उन लीला स्थलियों में, उस धाम में, उस वैष्णव की प्रीति होती है, इच्छा होती है रहने, लेकिन कुछ कारण सर, शरीर अव्यवस्था के कारण या फिर शारीरिक या फिर मानसिक या फिर पैसे के कुछ भी कारण हो, वो नहीं जा पाते, तो फिर वो क्या करता है, प्रेमी भक्तों से धाम की महिमा, लीला कथा सुनता रहता है, जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं, हम लोग ये भी धामवास हो रहा है, भले फोर्थ क्लास का है लेकिन सही रूप में किया जाए तो फर्स्ट क्लास का हो सकता है, क्योंकि वास्तविक धाम में या दिव्य भक्ति में कोई क्लास होता ही नहीं, सब फर्स्ट क्लास ही होते हैं, ये तो हम बाहर से कैटेगरी बनाते हैं भौतिक मटेरियलिस्टिक में, फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास, वृंदावन में नित्य धाम में तो सब फर्स्ट टू फर्स्ट क्लास ही है, सब बेस्ट है, बेस्ट ऑफ दी बेस्ट है, और बेस्ट ऑफ दी बेस्ट ऑफ दी बेस्ट है, कोई कम तो है ही नहीं वहां पर आध्यात्मिक राज्य में। तो भले फोर्थ क्लास बाहर से माने जाए लेकिन ये फोर्थ क्लास ही फर्स्ट क्लास, इधर से गिनोगे तो जैसे हम लोग क्लास में बैठते हैं ना भागवत क्लास में, तो अंतिम लाइन में बैठते हैं, लेकिन प्रसाद में वो पहला होता है क्योंकि पीछे से प्रसाद चालू होता है, तो फर्स्ट क्लास वाला सेकेंड लास्ट हो जाता है, ऐसे हम लोग फोर्थ क्लास वाले अगर सही रूप में ये साधना करें तो फर्स्ट क्लास हो सकते हैं। कैसे? श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु, मैं आपको कोटेशन दे रहा हूं कहां पर ये लिखा है, 1-2-294, आपकी जानकारी के लिए, लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो प्रभुपाद का बुक्स है उपदेशामृत, उसमें शायद 9 नंबर श्लोक होगा या 8 नंबर, संख्या 1-2-8 होगा, उसमें कालम नये दखिलम इति उपदेश सारम, वो जो श्लोक का लास्ट लाइन है, तो उसके तात्पर्य में, परपट में श्रील प्रभुपाद ने ये श्लोक डाला है, क्योंकि भक्तरसामृत सिंधु श्लोक वाला आप लोगों के पास ना हो लेकिन उपदेशामृत तो होगा, लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन, और उसमें 8 नंबर श्लोक का परपट देखिए, उसमें ये श्लोक होगा, अभी नहीं देखना है, अभी मैं बोल रहा हूँ, आप क्लास के बाद देखिए कि ये फोर्थ क्लास मतलब फर्स्ट क्लास कैसे धामवासी बना जा सकता है। तो उसमें श्लोक है, कृष्ण स्मरण जनश्चास्य पृष्ठ निज सन्निहितम् तत्तत् कथारतश्चासो कुर्याद् वासं ब्रजे सदा। रूप गोस्वामी कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में प्रथम पूर्व विभाग और द्वितीय अध्याय में और 294 नंबर श्लोक है, कृष्ण स्मरण जनस, जो भक्त कृष्ण का स्मरण करते रहते हैं, कृष्ण के नाम का, रूप का, लीला का, धाम का, पहले हमने कहा था फर्स्ट, जब ये चालू किया था हमने नवदीप यात्रा, उसमें फर्स्ट क्लास, पहले ही क्लास में हमने बताया था
कि धाम रूप लीला नाम एक तत्व है, अभिन्नत्वात्, कोई भिन्नता नहीं है कृष्ण में, कृष्ण के धाम। फिर हमने बताया था कि धाम तो कृष्ण से भी करुणामय। तो आप सब भक्तों को श्लोक मतलब सब क्लास याद ही रहते होंगे, इसलिए चिंता नहीं है। और कुछ श्रोता होंगे जो फ्रेश श्रोता मिलते हैं, हम फ्रेश श्रोता में उन्हें कहता हूँ कि अगले क्लास में जो भी किया सब भूल जाते, जब भी सुनते हैं उनको नित्य नया नया ही लगता है। तो ये फ्रेश श्रोता है तो वो भी अच्छा ही है, श्रोता अच्छा नहीं है, श्रोता कैसा भी हो अच्छा ही है, जो सुनता है दी बेस्ट वो अच्छा ही है। भूल जाए तो भगवान जान, चिंता मत कर, आपने सुना है ये भगवान जानते हैं। लेकिन अगर आपको स्मरण होगा तो आप देख सकते हैं या स्मरण कर सकते हैं कि नाम धाम रूप। तो यहाँ पर रूप गोस्वामी क्या कहते हैं कि कृष्ण का, उनकी लीला का, उनके पार्षदों का, उनके धाम का स्मरण जो वैष्णव करते हैं, कीर्तन जो करते हैं, और उस कृष्ण के नाम और धाम और कृष्ण के रूप के प्रति जो प्रीति रखते हैं, समर्पण रखते हैं, ऐसे भक्तों से तत्तत् कथा रत, उनकी कथा सुनते रहना, ये सदा व्रजवास है और ये बेस्ट है। तो अभी जो हम लोग कर रहे हैं ना, ये फोर्थ क्लास फर्स्ट क्लास हो सकता है। कैसे फर्स्ट क्लास है? मेटेरियली भी विचार करो फर्स्ट क्लास है। क्यों? एक तो टिकट भाड़ा आपको देना नहीं, अभी नवदीप आना पड़ेगा आपको इंडिया, तो कितना पैसा लगेगा बताए? ये जो यात्रा अभी आप कर रहे हो, एक पैसा नहीं लग रहा आपको। दूसरा, थकावट नहीं, कोई सामान बोरा बोझा उठाना नहीं, बॉन्डेज कोई वजन नहीं लेना है, और ना तो शारीरिक कोई कष्ट होता है। आप लोग सोफे में बैठ के अपने अपने वस्त्रों में बैठे हो, ऐसा भी नहीं कि कुछ स्पेशल धोती कुर्ता पहनना पड़ेगा या कुछ। देखो भक्त लोग मस्ती में, कुछ लोग तो सोए सोए सुन रहे होंगे, कुछ लोग काम करते करते सुन रहे होंगे, कुछ लोग बैठे बैठे सुन रहे हैं। तो न शरीर को पैसा लग रहा है, ना कोई कष्ट हो रहा है, कुछ लोग तो इतना सुख मिल रहा होगा कि सो भी जाते हैं कथा। तो ये देखो, ये यात्रा कितनी सुगम, कितनी सरल और श्रेष्ठ, कितनी आनंददायक। शारीरिक कष्ट नहीं, पैसे का खर्चा नहीं, और कोई तैयारी करना नहीं है, और सार वस्तु वहां का रस, वहां की लीला, वैष्णव लोग अपनी भक्ति की शक्ति के द्वारा हमारे हृदय में डाल देते, जो हम वहां जाके भी कभी कभी नहीं प्राप्त कर पाते अपने मानसिक रोग या शारीरिक दुर्बलता के कारण। कई बार भक्त लोग यात्रा में आते लेकिन बस में नहीं चढ़ पाते, चल नहीं पाते, क्लास मिस कर जाते, आप लोग कहे होंगे, तो उसकी महिमा नहीं सुन पाते, ना कोई भाव उदित होता है, और केवल शारीरिक थकान लग जाता है, ऐसा देखा गया है प्रैक्टिकली। लेकिन अभी जो हम लोग कर रहे हैं ये धाम यात्रा, कितना सरल है, अपने स्थान पर बैठे बैठे कोई एक पैसा नहीं देना, कोई कष्ट नहीं उठाना, और वास्तविक रस का आनंद लेना, उस लीला का स्मरण करना, तो जिससे हमारा चित्त शुद्ध होता है। ज्ञान तो मिलता ही है, जानकारी तो हो ही जाता है, नॉलेज, लेकिन साथ साथ में भाव भी मिलता है भक्तों की, भगवान की, वैष्णव की कृपा से। तो ये फर्स्ट फोर्थ क्लास फर्स्ट क्लास हो सकता है। तो हम लोग कुछ दिन अभी चार फोर्थ क्लास मतलब चौथी कैटेगरी की धाम यात्रा कर रहे हैं, आप भक्त लोग समझ रहे होंगे। और आज के इस नवदीप धाम महात्म्य को हम एक भी सुनेंगे, तो उसमें धामवासी के प्रति क्या भाव होना चाहिए, मतलब जो धाम में रह रहे हैं, जो धाम में जन्म लिए, और अभी कुछ हमारे इस्कॉन के या अन्य वैष्णव जो धाम यात्रा कर रहे हैं, उनके प्रति हमें सदैव दासानुदास भाव, आशीर्वाद की कामना करते हुए और उनकी कुछ बने तो सेवा करते हुए भाव से हमें ये हमारी कथा यात्रा करनी है। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर ने एक भजन गाया है बहुत सुंदर धाम के प्रति, तो उसमें लिखते हैं, धामवासी जने प्रणति करिया, मागी बो कृपार लेश, वैष्णव चरण रेणु गाय माखी, धरिया वधूत वेश। वो कहते हैं कि जो धाम में जन्म लिए या जो गुरु वैष्णव कृपा से धाम में वास कर रहे हैं या वर्तमान जो नवदीप धाम की यात्रा कर रहे हैं, उन सभी वैष्णवों से मैं भीख मांगता हूं कि मुझे गौरांग महाप्रभु के चरणों की रज, उनकी शक्ति भक्ति हमें दे दो, ये प्रार्थना है। और इसलिए मैं उस धाम की पवित्र रज,
जिसमें भगवान संकीर्तन लीला किए और वैष्णवों ने संकीर्तन किया, उन चरणों को मैं अभिषेक करना चाहता हूँ, चरण रस से मैं स्नान करना चाहता हूँ। और कैसे? बोले कोई भी मेरे कपड़े की या मेरे पद की सब उपाधि को साइड में रख के मैं शरणागत और दास भाव और अपना सौभाग्य मानते हुए उन धाम की रज में मैं गड़ागड़ी मतलब लौटना चाहता हूँ। ये हमारे वैष्णव भक्तिविनोद ठाकुर का भाव है। हम में भी वो आ जाए तो जीवन धन्य हो सकता है। भक्तों, आपके वैष्णव सॉन्ग जो बुक्स है उसमें भक्तिविनोद ठाकुर के भजन में उस भजन को जरूर देखिएगा जो अभी मैं गा रहा हूँ बाद में, या अभी भी सुविधा हो तो उसमें वो प्रथम लाइन है उस भजन का, कबे गौरव ने सुर धुनि तटे हा राधे हा कृष्ण बोली बो। मेरे जीवन में ऐसा दिन कब आएगा? हे ठाकुर जी, हे वैष्णव गुरु, हम पर इतना अनुग्रह करो, हम कुछ नहीं चाहते, आप क्या चाहते हो महाराज? तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते कबे गौरव ने, चैतन्य महाप्रभु जहाँ संकीर्तन किए हैं, भ्रमण किए हैं, उसके वन में मतलब गोद्रुम द्वीप में, सीमन द्वीप में, अंतर द्वीप में, जहां पर चैतन्य उस वन में भ्रमण किए हैं, सुर ध्वनि तटे, सुर ध्वनि गंगा जी को कहते हैं, देवता की नदी, सुर मतलब देवता, ये जो कुछ पृथ्वी का पानी होता है और कुछ स्वर्ग का, दिव्य लोक का, वैकुंठ का पानी होता है, जिसकी उपासना प्रणाम देवता करते हैं। तो ये गंगा जी वो नदी है जहां इंद्र सूर्य चंद्र जैसे बड़े बड़े देवता, देवों के देव महादेव शंकर भी और नारद अत्रि गौतम जैसे ऋषि मुनि भी जिस गंगा जी के तट पर जाकर स्नान करते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसको सुर धुनी कहते हैं गंगा जी को, देवताओं की नदी, देवताओं का उपास्य पानी, और भगवान के चरणों का साक्षात चरणामृत है गंगा, तो आप सभी जानते हो। गंगा जी के विषय में अंग्रेजी में कहा जाए तो द सुप्रीम रियालिटी इन लिक्विड फॉर्म, चैतन्य चरितामृत के अनुसार जो परम ब्रह्म परात्पर श्री कृष्ण तत्व है ना, वो लिक्विड फॉर्म में हमारे लिए आया है चरण पानी के रूप में, वो है श्री गंगा। तो वो सुर ध्वनि तटे, उस गंगा जी के पावन तट पर जहां चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन किए है हा राधे हा कृष्ण बोली बो, मैं वहां जाकर कब हे राधे हे कृष्ण का संकीर्तन करूंगा, शर्म छोड़ के, लज्जा छोड़ के, सब धर्म कर्म सब तोड़ के मैं कब जाऊं जाह्नवी तट पर जहां गौरांग संकीर्तन रस बहाए है। ये उनके हृदय का भाव है। कांदिया कांदिया गड़ा गड़ी दीबो करी कृष्ण कोलाहल, कहते हैं कि मैं कांदिया कांदिया, कांदिया मतलब रोना, बंगला में टू क्राई, रोने को क्या कहते हैं कांदिया, कांदिया कांदिया गड़ागड़ी दीवो, गड़ागड़ी मतलब धूल में गोल गोल घूमना, लौटना, क्या कहते हैं हमारे गुजराती में कहते आलोटू, घूम रहे हैं, कब करूंगा ऐसा? और ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देह सुख छाड़ी, शरीर हमको, हमने शरीर की बहुत सेवा किया, इस हाड मास के चमड़े को नहलाया, धुलाया, खिलाया, सुलाया, हम लोग कॉबलर बिजनेस कर रहे हैं ना, शरीर सेवा, चर्म सेवा, हड्डी सेवा कर रहे हैं। बोले इससे मुक्त होकर उस गौरांग महाप्रभु जहां पेड़ के नीचे कीर्तन किए, विश्राम किए गंगा जी के तट पर, वहां जाके मैं कब अपने शरीर को मैं वहां सुलाऊंगा? ये जो बड़े बड़े मखमल के पलंग और ऐसी पंखा, इसमें मैं परेशान, मेरे शरीर को सुख मिल रहा है लेकिन आत्मा दुखी हो रहा है, कर्म बंधन में फंस रहा है, मैं खुद आत्मा मतलब हम खुद। तो चाहते क्या हो महाराज? भक्ति विनोद ठाकुर कहते मेरे जीवन में मैं यही चाहता हूँ, कांदिया कांदिया देह सुख छाड़ी नाना लता तरु तले, मैं शरीर की सारी सुविधा सुख को तिलांजलि देकर त्याग कर
मैं गौर वन में जाकर रोते रोते राधा कृष्ण का कीर्तन करते हुए पेड़ के नीचे सोना चाहता हूँ। उस पत्थर पे सर रखकर ठंडी शीतल गंगा की हवा लेते हुए चैतन्य लीला का स्मरण करते हुए मैं वो दिव्य सुख चाहता हूँ। और फिर खाने को क्या होगा महाराज, बिजनेस बिजनेस तो होगा नहीं वहां नवदीप में जाके। कुछ लोग धाम में जाके भी धंधा करते हैं, ये सबसे बड़ा अपराध है। धाम में हमें भजन करने, सेवा करने ही जाना चाहिए। भले हमारे अंदर कोई भी योग्यता एबिलिटी हो, उसे बिजनेस रूप में नहीं देना चाहिए। वैष्णवों को खास ध्यान देना चाहिए इन सब विषयों पर, नहीं तो हम धाम का वातावरण खराब कर रहे हैं, वहां जाके भी हम लोग अपराध कर देंगे। भक्तों बहुत सावधान रहिए। स्वपच गृहे ते मागिया खाइबो पीबो सरस्वती जला। मैं आपको भक्ति विनोद ठाकुर का पवित्र भाव जो उन्होंने शब्दों के रूप दिया है, मैं आपको सुना रहा हूँ ये भजन, जिसमें भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि कुत्ता खाने वाला भी होगा ना, उसके घर पे भी मैं खा सकता हूँ, क्योंकि धामवासी जन है, वो नवदीप में जन्म लिया है, इसलिए दिव्य है। देवता भी जहाँ के चरण रज को तरसते हैं, ऐसे गौरांग महाप्रभु के नवदीप में धाम भगवान का शरीर ही माना जाता है, धाम भगवान का शरीर स्वरूप माना जाता है। ये निष्ठा है हमारे आचार्यों की। तो कहते वो मागिया खाई वो प्रभु, वहां तो फिर मिलेगा नहीं पिज्जा सब पास्ता, अभी तो मिल रहा है हमारे स्कूल में, सब कुछ मिला है। डोंट वरी, अभी यात्रा करने कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गोविंदा रेस्टोरेंट की जाए, गोविंदा जिंदाबाद, नहीं तो पहले तो कुछ भी नहीं होता था, लेकिन अभी तो सुविधा है। लेकिन ये कह रहा है कि कुछ भी भले मांग के खाना पड़े, और पीने को भले सरस्वती जल, सरस्वती मैया वहां बहती है जालिधि के रूप में। धाम में नौ नदियों का वास है हमारे नवदीप में, और ऐसे तो कहा ना पहले दिन हमने ये धाम महिमा बताया था लास्ट सिटिंग में, तो उसमें कहा था कि ममा के या भगवान ने कहा राधा रानी को कि मेरी आज्ञा से सर्वानी तीर्थानी वसंती, सारे तीर्थ धाम में वास करते हैं अपने को पवित्र करने के लिए, अपना सौभाग्य वर्धन करने के लिए। तो इसलिए वृंदावन या नवदीप यात्रा कर ली तो उसके सारे धाम की यात्रा, सारा तीर्थ हो गया, ऐसा कहा जाता। तो पवित्र सरस्वती का, यमुना का, गंगा का पानी पी लूंगा। पुलिने पुलिने गड़ा गड़ी दीबो करी कृष्ण कोलाहल। और कृष्ण राधे गाते हुए यमुना के तट पर नवदीप वृंदावन में, या गंगा के तट पर नवदीप में, जो नवदीप और वृंदावन भिन्न है, इन धामों में जाकर मैं राधा कृष्ण बोलूंगा। हमारे गोस्वामी यही तो करते थे भक्त। आप लोग षट गोस्वामी अष्टकम पढ़ते हो तो उसमें है ना, हे राधे ब्रज देवी के चललिते, हे नंद सुनो कुतह। हे राधे, हे गोविंद, कहाँ हो आप? श्री गोवर्धन कल्प पादप तले, क्या गोवर्धन के पेड़ों के नीचे बैठे हो कि यमुना के कदम के वृक्ष में बंसी बजा रहे हो? वेर आर यू, कहाँ हो प्रभु? इस भाव में रोते हुए रूप गोस्वामी तो एक श्लोक ही का लिखा है कि कब मैं यमुना तट वृंदावन जाऊंगा, और यमुना तट पे राधा कृष्ण का मुक्त कंठ से कीर्तन, लज्जा शर्म छोड़ के अपने गमछे को उछाल के तांडव करूंगा, जैसे शंकर भगवान तांडव करते ना नटराज, बोले रचयामि तांडवम यमुना तटे कदा हम, कब मैं यमुना के तट पे जाके कृष्ण संकीर्तन में तांडव करूंगा, मतलब उदंड नृत्य करूंगा, मतलब सब कुछ छोड़ के लज्जा शर्म। ये भक्तों का मनोवांछा कामना है भक्तों, ये बहुत बड़े जन्मों की सुकृति के बाद मिलता है, लेकिन भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की कृपा से चैतन्य महाप्रभु की ये करुणा को प्रभुपाद ने ऐसा बांट दिया है, वैष्णव कृपा किया है कि हम जैसे तुच्छ संसारी जीवों को और अनंत पृथ्वी के लोगों को आज इस्कॉन के द्वारा ये धाम यात्रा असली रूप में मिल रहा है। ये गौरमंडल परिक्रमा नवदीप की, या फिर वृंदावन की ब्रजमंडल परिक्रमा, और उसमें जो वैष्णव सेवा करते हैं तन से मन से धन से कैसे भी, सब महाकृपा भगवान की और परंपरा की पाएंगे। बड़ी कृपा के पात्र पाए हुए लोग हैं जो इस सेवा में लगते हैं, कैसे भी सेवा में लगे अपनी शक्ति अनुसार। तो फिर भक्ति विनोद ठाकुर तीसरा भाव कहते हैं कि धामवासी जने प्रणति करिया मागी बो कृपार लेश वैष्णव चरण रेणु गाय माखी।
वैष्णव के चरणों में लौटूंगा और धरी अवधूत वेश, अपने मतलब अवधूत वेश पागल, कोई चिंता नहीं करूंगा शरीर की या वस्त्रों की, जो होना है होने दे पागल जा, लेकिन मैं भजन में मस्त रहूंगा। और लास्ट लाइन इस भजन का बहुत सुंदर है, वो कहते हैं कि ब्रजेर गौर ब्रज जने भेद ना देखी बो, ब्रजेर वासी, गौर धाम में और ब्रज धाम, गौर भक्तों में और ब्रज भक्तों में डिफरेंट, भेद नहीं देखूंगा, एक है। गौर ब्रज जने भेद ना देखी बो, अगर आप ऐसा नहीं देखोगे, मन में नहीं मानोगे, हई ब्रजेर वासी, वही असली ब्रजवासी बनेगा। गौर धाम को, नवदीप धाम को, गौर भक्तों को जो सम्मान देगा, नवदीप धाम को जो पूजेगा, आश्रय लेगा, वही असलियत में ब्रजवासी बनेगा। और ब्रजवासी बनना मतलब क्या, तब भक्तिविनोद ठाकुर एक बहुत सीक्रेट रहस्य खोल रहा है, उसकी व्याख्या तो हम नहीं करेंगे, लेकिन रहस्य बड़ा सुंदर कह रहा है। धामेर स्वरूप स्फुरी बो नयने हई बराधार दासी, वो कहते हैं कि कब मेरे जीवन में वैष्णव की कृपा से धाम का स्वरूप स्फुरित होगा। धाम का जो स्वरूप है, मतलब धाम की जो सच्चिदानंदता है, धाम में जो भगवान की नित्य लीला है, वो मेरे हृदय में कब स्फुरित होगी, और जब हृदय में स्फुरित होगी तो और इच्छा बढ़ रही कि नैनों से कब देखूंगा इन लीला को प्रत्यक्ष, और कब मैं राधा रानी की दासी बनूंगा। देखो आज तक हमने क्या सुना, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, लेकिन कृष्ण खुद जिसके दास है, हमारा गोल क्या है, अनर्पित चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण कलो, अनर्पित जो आज तक अर्पित नहीं किया गया, क्या अर्पित नहीं किया गया, उन्नत उज्जवल रस, उज्जवल रस मतलब क्या, व्हाइट रस, व्हाइट लिक्विड, उन्नत मतलब बेस्ट, ये तो बाहरी अर्थ है भैया। राधा रानी के चरणों की सेवा में तो स्वयं भगवान भी लगे हैं ब्रज में, निकुंज में, और उस राधा रानी के चरणाश्रित जो सखिया है ललिता विशाखा, और उन सखियों का एकमात्र जीवन लक्ष्य है युगल राधा कृष्ण को प्रसन्न करना, उनको सुख देना। तो राधा कृष्ण जो वृंदावन के प्राण इष्ट आराध्य युगल सरकार है, उनकी सेवा में जो ललिता विशाखा आदि सखिया है, और उन सखियों के अनुगत में मंजरी भाव से राधा कृष्ण सेवा में सखी आज्ञा में लगे रहना, ये है उन्नत उज्जवल रस जो आज तक किसी अवतार में नहीं दिया गया था। हमारा दुर्लभ सभा कार्य याचे, ब्रह्मा को भी नहीं प्राप्त हुआ था वो रस चैतन्य, इसलिए हम लोग ब्रह्म मत्व गौड़ीय संप्रदाय के है, ये हमारा मूल गौरव नहीं है, ये तो हमारा बिगिनिंग है बाह्य रूप में, वास्तव में हम गौड़ीय है जो राधा कृष्ण स्वयं चैतन्य बने हैं, और वो जो इस संप्रदाय में भी नहीं था वो चैतन्य ने दिया गौड़ीय रस, और फिर उसके आश्रित रूप सनातन हमारे संप्रदाय में आए गौड़ पर, और हमें जो प्रभुपाद के द्वारा मिला ये उन्नत उज्जवल रस अर्थात व्रज वृंदावन का मंजरी भाव। बहुत ऊंची बातें हैं, लेकिन सब शुद्ध वैष्णव लोग समझेंगे इसको। तो यह भक्तिविनोद ठाकुर क्या कह रहे हैं, हई ब राधार दास, प्रभुपाद के पिताजी भी तो यही कहते थे ना गौर मांडे कि आप वैष्णव मेरे भाई को आशीर्वाद दो कि वो राधा रानी का भक्त बने, तो कृष्ण कह रहे, कृष्ण खुद राधा के भगत है, उनके क्या करना है, राधे वृंदावनेश्वरी। तो पहले तो हमें ये सब, पहले तो अपना स्वरूप समझिए कि हम कृष्ण दास है, लेकिन फिर हमारा रस भाव क्या हो जाएगा, हम राधा की दासी है, सखियों की, सखी अनुगत करो। वृंदावन विलास कुंजे दियो वास, उसके बाद कहा कृष्णदास कविराज ने तुलसी आरती में कि सखी अनुगत करो, तो ये सब उन्नत उज्ज्वल रस है। एनीवे हमने भक्तिविनोद ठाकुर ये पद सुनाया जो धाम के प्रति उनका क्या भाव, धाम वसी वासियों के प्रति उनकी क्या निष्ठा, और उनके हृदय की इच्छा कि कब मैं गौर नवदीप धाम में भ्रमण करूंगा। तो हम लोग शब्दों के द्वारा, संतों की, भक्तों की वाणी के माध्यम से
नवदीप यात्रा मंडल परिक्रमा कर रहे हैं भक्तों, और अब हम प्रवेश करेंगे हमारे परिक्रमा यात्रा नवदीप यात्रा के अंतरदीप की महत्व हो गई, नवदीप का ओवरव्यू महत्व हो गया था लास्ट सिटिंग में, लास्ट सत्र में, और शायद सिमंत दीप का भी हो गया था। अभी हम गोद्रुम दीप की महिमा सुनेंगे। शायद मैं गलती न करता हूं तो सिक्वेंस लाइन के अनुसार हम लोग गोद्रुम दीप में, जो गंगा जी के ईस्टर्न साइड, पूर्व साइड में चार दीप है, अंतरदीप, दूसरा था सिमंत दीप, अंतरदीप आत्मनिवेदन का प्रतीक था, सिमंत दीप श्रवण भक्ति का। अब हम गोद्रुम दीप की आज की कथा का प्रवेश, मतलब प्रवाह आगे बढ़ा रहे हैं, और गोद्रुम दीप कीर्तन भूमि है। कलयुग का धर्म क्या है? यज्ञ संकीर्तन प्राय, हमें कीर्तन में शक्ति चाहिए, कीर्तन में भाव चाहिए, निष्ठा चाहिए। तो ये जो हमारा मूवमेंट है संकीर्तन मूवमेंट, जिसके आचार्य जिनके पिता श्री चैतन्य महाप्रभु है, संकीर्तने कपितरो आजानुलंबित भुजो, जो श्लोक है ना उसमें संकीर्तन के जो पिता है, और ये कीर्तन भक्ति कलयुग की जो नाम संकीर्तन मुख्य भक्ति है ना, कलो तद हरि कीर्तना, और ये कीर्तन भक्ति में ऊर्जा एनर्जी शक्ति भाव भरने वाला जो भूमि है वो है गोद्रुम द्वीप की भूमि। तो गोद्रुम द्वीप के विषय में हम पहला श्लोक सुनाएंगे आपको, नवदीप शतक में हमारे प्रबोधानंद सरस्वती ने लिखा है। देखो क्या धाम निष्ठा है हमारे आचार्य, वे कहते हैं मिलंतु चिंता मणि कोटि कोट्य स्वयं बहिर्दृष्टि मुपेतु बाहरि तथापि तद् गोद्रुम धूलि धूसर न देह मन्यत्र कदापि यातु मे। हे भगवान हम पर इतनी कृपा करो, हे वैष्णव गुरु आचार्य लोग इस दास पर दया करो। क्या दया करें? मिलंतु कोटि चिंतामणि, करोड़ों सुना सुवर्ण मोहर प्योर गोल्ड की हमें मिल जाए, चिंतामणि टच स्टोन क्या कहते, डिजायर स्टोन, जो भी इच्छा करो पूरी हो जाए, वो हमें प्राप्त हो जाए, और बदले में कहा जाए कि गोद्रुम दीप से बाहर चले जाओ, तुमको लाखों का सोना मिलेगा, राज मिलेगा, पद मिलेगा, सब कुछ जो चाहो मिलेगा। तो कहते हैं कि तथापि गोद्रुम धूलि धूसर, मेरा शरीर जो ये गोद्रुम चरण गोद्रुम रज की धूली से जो मंडित है ना, परिक्रमा करते करते धूल लग गई है, प्रणाम करते करते शरीर में गोद्रुम द्वीप की धूल लगी है, इस धूल को छोड़कर, उस गोद्रुम द्वीप को छोड़कर एक मिनट भी मैं बाहर नहीं जाऊंगा, और करोड़ों चिंतामणि करोड़ों सोना मोर को मैं लात मारता हूं, ठोकर मारता हूं, नहीं चाहिए हमको, लेकिन हम गोद्रुम द्वीप नहीं छोड़ेंगे। ये है हमारे आचार्यों का निष्ठा, डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग इसको बंगला में कहते हैं कोटि चिंता मणि यदि मिले अन्य स्थाने श्रीहरीर बहिर दृष्टि यदि ओसे खाने तथापि गोद्रुम धूली छाड़िए शरीर अन्यत्र न जाय ये न बुद्धि स्थिर। स्थिति प्रज्ञ गीता का शब्द है ना, स्थिर बुद्धि, स्थिति प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि किसकी है? बोले करोड़ों चिंतामणि सोना मिल जाए फिर भी उसको ठोकर मार के, जिसका मन जिसका हृदय गोद्रुम द्वीप नवदीप धाम की भूमि को छोड़ना नहीं चाहता, तो समझ लो कि उसकी बुद्धि स्थिर हो गई। गोद्रुम द्वीप की जय, गोद्रुम धूलि की जय। तो चलिए गोद्रुम, हमने धामवासी की महिमा सुनी, भजन सुना, गोद्रुम द्वीप के विषय में बहुत कुछ है, लेकिन हमने एक श्लोक हमको अच्छा लगा जो आपको शेयर किया, उसका संस्कृत और बंगला और इसका हिंदी भाव भी बताया। अब हम गोद्रुम द्वीप में यात्रा करने जा रहे हैं, तो हम आश्रय लेते हैं नित्यानंद प्रभु का। आपको याद होगा भक्तों कि नित्यानंद प्रभु श्रीपाद जीव गोस्वामी को लेकर परिक्रमा कर रहे हैं और अलग अलग द्वीप में जा रहे हैं, और वहां जाके दर्शन करते हुए श्रीमान बलराम तत्व गुरु तत्व आदि अनंत शेष श्री नित्यानंद जी महाराज आप भक्तों को, खास करके जीव गोस्वामी को सुना रहे हैं क्या ये लीला गोद्रुम द्वीप की। तो नित्यानंद प्रभु के साथ चलिए, जीव गोस्वामी के बाजू में साइड में पीछे खड़े हो जाइए,
आगे मत खड़े रहना, डिस्टर्ब मत करना उनको, क्योंकि मूल श्रोता जीव गोस्वामी है, तो हम तो पीछे है ना दास दासानुदास भाव में, तो जीव गोस्वामी के बाजू में भी खड़े रह सकते हो, दयालु है लेकिन पीछे रहेंगे तो और अच्छा है। तो कई बार भक्त लोग है ना सेवा में पीछे रहते, प्रसाद में आगे रहते, और तो आगे पीछे का ये चक्कर बहुत बड़ा है, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि भक्ति मार्ग में जो जितना पीछे है ना उतना ही आगे है, और सेवा में जो वास्तव में आगे है वो सच में आगे है। तो एनीवे कथा सुनने में तो आगे बैठना चाहिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी सीनियर भक्तों को डिस्टर्ब करते हुए नहीं बैठना चाहिए, ये मैं मैसेज देना चाहता था, इसलिए आनंद से सुने कि आप कभी भी कथा में बैठो जाओ प्रत्यक्ष, तो ऐसे बैठो कि सीनियर डिवोटी को डिस्टर्ब मत करो और अन्य श्रोता को भी न करो, भले हम कितने ही पद में ऊंचे हो, उम्र में ऊंचे हो, और ऐसा है तो आपको पहले जाना चाहिए, अगर स्थान प्राप्त करना है तो समय से पहले पहुंच कर, लेकिन लास्ट में आना और सबको डिस्टर्ब करके बीच में घुसना, हम गुजरातियों की थोड़ी आदत है घुसने की, तो इसलिए आप लोग अपने घर के हो ना इसलिए सब बोलता हूँ मैं तो अपना दोष बता रहा हूँ आप लोग तो, लेकिन आपको आपके आशीर्वाद चाहता हूँ कि हमें ये दुर्गुण जाए लेकिन अब हमको तो अभी दूसरा भी हम लोग तो नहीं चाहते, फिर भी हमको कोई देखता है तो आगे बुला देता है, तो बहुत दुख होता है, परेशानी होती है, बहुत लोग का ध्यान भी, तो कथा में कैसे भी विक्षेप नहीं करना है। एनीवे श्रीमान नित्यानंद प्रभु की जय, वो कथा सुना रहे हैं। तथा यह हसी या कही लहसी गोद्रु मना बेते ये दीप हसी, सुनो जीव गोस्वामी वैष्णवो ये गोद्रुम दीप है, गोद्रुम दीप नाम क्यों पड़ा, तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं बंगला सुनिए, सूर्य भी सतत ये खाने रय कृष्ण माया वश देवेंद्र यवे, कृष्ण की माया के कारण देव इंद्र देवताओं के इंद्र पुरंदर ब्रज वृंदावन धाम में एक अपराध कर लिए थे, जिसको आप जानते होंगे गोवर्धन लीला में उन्होंने गर्व किया था, तो क्या हुआ, कृष्ण माया वशे देवेंद्र जबे भाषा ये गोकुल निज गौरवे, पद मिल गया था ना इंद्र पद, तो पद मिलने पर प्रतिष्ठा मिलने पर थोड़ा अभिमान हो जाता है, तो इंद्र को भी लगा था कि मैं स्वर्ग का राजा हूं और मेरी प्रत पूजा होती है रहती है, परजन्य बाबा परंपरा से सालों साल पूजा करते थे, लेकिन भगवान ने रोक दिया और गोवर्धन की कराई थी, ये ब्रज की लीला है आप सब जानते हो, तो यमुना तीरा वनचारी उसके पहले आप कहते ना गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, तो भगवान ने गिरिराज धरण लीला किया था, तो इंद्रदेव को अभिमान गर्भ चूर्ण किया था, तो इंद्रदेव खुद कह रहे हैं सुरभि मैया जो स्वर्ग की काव है ना गाय जिसका नाम है सुरभि, जानते हैं सुरभि की क्या विशेषता है कि वो जितना चाहो उतना और कमल की सुगंध से मिश्रित मिल्क हजारों क्या कहे लीटर्स और एनी टाइम ऑल द टाइम, एनी टाइम क्या सब टाइम देती रहती है इस गाय की, कोई आपको पूछे सुरभि गाय की विशेषता क्या है, तो प्रथम विशेषता तो यह है कि वो ऑल द टाइम सब समय जितना चाहो उतना दूध देती रहती है, बछड़ा आए या ना आए, जैसे यहाँ संसार की गायों में क्या होता है कि बछड़ा आने पर दूध देती है ना, नहीं तो नहीं देती, और बछड़ा आने पर भी लिमिटेड दूध देती है और लिमिटेड दूध भी कुछ समय तक देती है, लेकिन ये दिव्य स्वर्ग की गाय है जिसमें ये संसार की गाय से भी उत्कृष्ट गुण है, तो ये बात है। एक बार परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी को किसी ने पूछा, हम लोग परिक्रमा में थे, महाराज सुरभि गाय की क्या विशेषता, तो महाराज यही बताए जो मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, जस्ट उनके शब्द, और भी बहुत है सुरभि गाय के विषय में, लेकिन जस्ट फोकस हमारा पहला कि फिर उसमें बहुत दिव्यता है वो तो अलग है, लेकिन संसारी लोगों को साधारण उत्तर समझ में आ जाए कि ये दिव्य गाय की ये विशेषता है। ओके, तो सुरभि गाय के पास गए देवराज इंद्र, स्वर्ग की बात हो रही है, नित्यानंद प्रभु सुना रहे तो क्षमा करेंगे आप भक्त लोग, मेरा थोड़ा क्या करे ये सिस्टम हिल गया यहाँ पे, महामंत्र बोलिए सभी वैष्णव, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारे भारतवर्ष में क्या है कि थोड़ा सा इधर उधर होता रहता है, आप लोग चिंता मत करो तो ओके हम आगे बढ़ते हैं।
इंद्रदेव सुरभि मैया को कह रहे हैं कि गोवर्धन गिरी धरी या हरी रक्षिल गोकुल यतन करी। जब पूरे गोकुल की रक्षा गोवर्धन धारण करके इंद्रदेव ने कृष्ण देव ने किया, इंद्रेर दर्प चूर्ण हईल पर सचिपति चीने सारंग धर। और जब इंद्रदेव ने अनुभव किया कि मैं तो गलती कर दिया, ये तो साक्षात 7 बरस का लड़का जिसको मैं समझता था गोकुल का ग्वाला, ये तो पूरे ब्रह्मांड का बाप निकला। सारंग पाणी धनुष जिनके हाथ में है, ये साक्षात कृष्ण जिन्होंने मुझे इंद्र बनाया, और जिनके गर्भ में भगवान, जब देवकी के गर्भ में तो मैं स्तुति करने गया था सत्यव्रतम, लेकिन ये पद ने मेरा बुद्धि घुमा दिया कि मैं क्या कर दिया, सॉरी। हे सुरभि मैया देखो मेरा दोष। देखो इंद्रदेव अपना दोष बता रहे कि भगवान ने मुझे इंद्र पद दिया और इतना सुंदर राज्य मेरे लिए अवतार लेते रहते, इंद्रारी व्याकुलम लोके मृडयंती युगे युगे, मेरी रक्षा के लिए अवतार लेते हैं प्रभु, और मैंने क्या किया उसको पहचान नहीं पाया। अच्छा सुरभि मैया पूछे, भैया तू क्यों नहीं पहचान पाया? बोले क्या करे, कुर्सी, ये कुर्सी का चक्कर बड़ा खसम खत्म कर। देखो आप लोग है ना कुर्सी में बैठे हो, अच्छा है, लेकिन ध्यान दीजिए कुर्सी पर बैठने पर अकल कम हो जाती मतलब हमारे शरीर में घुटने में दुखे, वो आप जो बैठे ना टेबल की कुर्सी उसकी बात नहीं कर रहा, कुर्सी मतलब पोजीशन। क्योंकि व्यक्ति को पद मिलता है ना तो दिमाग आउट हो जाता है, दम अभिमान आ जाता है। आप लोग है ना कुर्सी पर जरूर बैठिए शरीर से, लेकिन मैं कुर्सी पर बैठा वो पद अभिमान मत रखिए। तो कुर्सी में से र निकाल दीजिए, क्या शब्द बनेगा? खुशी। आपको कुर्सी चाहिए कि खुशी, ये बताओ क्योंकि जो भी कुर्सी में बैठा है उसकी खुशी कम हो जाती है, उसको सरदर्द चालू होता है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना बहुत सारी, इसलिए हमने भी कुर्सी छोड़ दी, खुशी चाहिए तो। और सेवा करना है उसको कुर्सी, खुशी सेवा करने से मिलती है, कुर्सी पर बैठने पर नहीं मिलती, याद रखिए। तो इंद्रदेव को कुर्सी मिली है स्वर्ग की, और पूरे देश विदेश में सारा झगड़ा कुर्सी का तो है। तो कुर्सी माने गुजराती हिंदी शब्द है, लेकिन पद होता है ना, आप लोग समझ रहे हो। तो कुर्सी पर बैठने पर अकल कम होती है, इस शब्द का मीनिंग क्या होगा कि भाई जब हमें पद मिलता है ना तो अभिमान आता है, और अभिमान आने पर हमारा विवेक थोड़ा नष्ट होता है, तो हम लोग कुछ गलत कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इंद्रदेव जैसे स्वर्ग के राजा बने, देखो असुरदास ने एक पद गाया है, इंद्रदेव जो सुरभि को कह रहे हैं ना, तो इंद्रदेव कहते थे वहां पर उनके आशीषनों को कि ये कल के ग्वाले कुछ भी नहीं है इनके पास, मैं स्वर्ग का राजा हूं और इनको बारिश पानी देता हूं, और इन इन ग्वालों में इतना अभिमान आ गया कि मेरी पूजा बंद कर दी। अब देखो आप ध्यान दीजिए, ये भागवत में भी लिखा है जो सुरदास जी पद गा रहे, भक्तो इंद्र ये कह रहे हैं इंद्रदेव कि इन ग्वालों को अभिमान आ गया। हकीकत क्या है, ग्वालों को अभिमान, अभिमान उनको है, ग्वालों को बेचारे को क्या अभिमान, लेकिन जिसको अभिमान आता है ना वो सामने वाले को बोलता है कि इसको अभिमान, अभिमान उसको है। इंद्रदेव कह रहे हैं कि इन ग्वालों को अभिमान आ गया कि मेरी पूजा बन गई। रियलिटी क्या थी, अभिमान इंद्र को है। हम भक्तों का भी ये हाल होता है, अभिमान खुद को होता है और कुर्सी पर बैठने पर, और हम दूसरों को कहते हैं कि तुम्हारी ये मजाल कि तुम मेरे को प्रणाम नहीं किया, मेरी बात नहीं माना, तुझे अभिमान आ गया। अरे अभिमान तो तुम्हें है भैया, उम्र भर यही गलती करता रहा गालिब, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। ऐसे हिंदी में शेर कहते हैं ना, कचरा चरी मुंह पे लगाकर हम लोग कार साफ कर रहे हैं, मतलब गलती हमारी है, हम दूसरे वैष्णव को कहते हैं कि तुम्हारा गलती है, तुम्हारा गलती है। ये भागवत कथा क्या है, दर्पण है। आप लोग ये क्लास सुनते हो ना सुबह, ये आप आईना देख रहे हो जिसमें आप ये कृष्ण का, मैंने कहा था ना ये सुखदेव जी का ब्यूटी पार्लर है भागवत क्लास, जिसमें आपको वैष्णव सौंदर्य मिलेगा, जिसको आप, जिसके द्वारा आप कृष्ण को आकर्षित कर लोगे, वैष्णव सद्गुण मिलते हैं हमको इसमें, जानने मिलता है। छोटी छोटी बात है, जैसे होता है ना हम लोग आईना देखते तो यहाँ साफ करते, यहाँ करते साफ, अपने को अच्छा लगाने के लिए। तो ये क्लास क्या है, दर्पण है, चेतो दर्पण मार्जनम जो शब्द है ना, जिसमें हमें पता चलता है कि हमने ये गलती, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें ऐसे वैष्णव बनना चाहिए ताकि वैष्णव भगवान हमें पसंद करे, भक्ति के गुण हमें आगे आते हैं। तो एनीवे यहाँ पर इंद्रदेव को खुद अभिमान था और दूसरे को कह रहे, क्यों अभिमान था, कुर्सी मिली।
तो ये सब मटेरियल बातें कहनी नहीं चाहिए, लेकिन हमें तो शिक्षा भी तो लेनी है ना, कथा के माध्यम से उपदेश भी तो सुनना चाहिए। तो इंद्रदेव कह रहे हैं कि हे सुरभि मैया, मैं पद के कारण कृष्ण को समझ नहीं पाया, और कृष्ण को फिर कृष्ण कितने कृपालु कि मुझे कुछ भी नहीं किए, वो अपनी लीला किए, गोवर्धन उठा लिए, मुझे तो कुछ बोले ही नहीं, फिर भी प्रभु। फिर जब मुझे समझ में आया कि ये कृष्ण तो जगत पिता है, पर ब्रह्म है, तब मैंने प्रणाम किया। क्या किया? इंद्रदेव कहते निज अपराध मार्जन तवे पड़िल कृष्ण र चरण धरे। मेरा अपराध तभी क्षमा होगा जब मैं कृष्ण के चरणों में गिरूंगा। और दया र समुद्र नंद तनय, ये नंद के लड़के हैं और नंद बाबा बड़े उदार है, महामना है ना, नंदस्तु आत्मज उत्पन्न जाता लादो महामना। भागवत जी में दशम स्कंद के पांचवें अध्याय में नंद महोत्सव कथा में सुखदेव जी ने नंद महाराज का क्या विशेषण दिया? महामना, मतलब विशाल मन वाला, कंजूस नहीं थे नंद बाबा, उदार दिल वाले थे, विशाल समुद्र जैसा उनका दिल था, दिल वाले है। तो उनका बेटा कृष्ण है, तो ये भी दयालु है, तो मैंने उसके चरणों में प्रणाम तो किया और शमील अपराध इंद्र और अभय दिया मुझे, कृष्ण नंद का लाला है, उन्होंने मुझे दया कर दिया। इंद्रदेव कहते हैं सुरभि मैया, मुझे क्षमा भी कर दिया और मुझे आशीर्वाद भी दिया। तथापि इंद्रेर रही लो भय, फिर भी मेरे दिल में एक दुख है, इंद्रदेव कह रहे भय है। क्या भय है? सुरभि निकटे तखन कहे, इसलिए मैं आपके चरणों में निवेदन कर रहा हूँ। सुरभि मैया ने पूछा क्या भय है, तो इंद्रदेव ने कहा कृष्ण लीला दूरे बुझी ते नारी, मैं कृष्ण लीला को मैया समझ नहीं पाया, अपराध ममल ही लो भारी, मैंने भगवान का भारी अपराध कर दिया। सुने छि कलिते ब्रजेंद्र सुत करीबे न दिया लीला अद्भुत, मैंने भी मेरे गुरु बृहस्पति से एकांत में कभी सत्संग में सुना था कि ये जो कृष्ण चंद्र है ना, वृंदावन वाले द्वापर युग वाले कृष्ण वर्णम जो बने थे, तिसा कृष्णम या गर्गाचार्य ने नाम रखा था इदानीम कृष्ण आगत, वो पीत वर्ण कलयुग में पीला सोना, पीला बन के और अद्भुत लीला करेंगे, मतलब ये कृष्ण चंद्र गौर चंद्र बनेंगे, ऐसा सुरभि मैया मैंने गुरु से सुना था। अब ये इंद्रदेव कह रहे, तो मैं कृष्ण लीला को ही नहीं समझ पाया, तो क्या ये गौर लीला समझ पाऊंगा? क्योंकि ये तो अद्भुत लीला होगी, क्योंकि भक्त भाव भगवान भगवान रूप में लीला किए फिर भी नहीं समझ पाया, तो भगवान जब भक्त रूप में लीला करेंगे तो मैं समझ पाऊंगा या नहीं समझ पाऊंगा? हे गौ मैया, आप हमें उत्तर दीजिए। सुरभि मैया, इंद्रदेव स्वर्ग में सुरभि के साथ कन्वर्सेशन संवाद कर रहे हैं, इस बात को नित्यानंद प्रभु आगे सुना रहे हैं कि पाछे से समय मोहित है, उस समय में मोहित हो गया और मैंने कृष्ण का अपराध कर दिया, कृष्ण तो दयालु था, मुझे क्षमा कर दिया, स्वर्ग मेरा बना रहा, मेरी कुर्सी बनी रही, लेकिन मुझे खुशी नहीं मिल रही। तो मैया क्या बोले, इस बार भी मैं मोहित हो गया और गौर चंद्र का अपराध कर दिया, तो मेरा कभी उद्धार ही नहीं हो सकता, मुझे स्वर्ग तो मिला रहा, पद तो मिला रहा, लेकिन प्रेम नहीं मिला, और ये अवतार मैंने सुना है प्रेम दान करने के लिए हुआ होने वाला है, और मैंने उनका अपराध कर दिया या उनके भक्तों का अपराध कर दिया या उनके धाम का, धामवासी उस समय भी यही किया था, ब्रजवासियों का ही अपराध किया ना, बूढ़े ब्रज को डुबा दो ये सब बोला है ना इंद्र, बोले इस बार भी मैंने धामवासी और धाम का अपराध कर दिया और चैतन्य का, तो प्रेम दान देने आए उसी से मैं वंचित रह जाऊंगा मैया। तो इसलिए तुम्हें सुरभि सकल जानो, हे सुरभि मैया तुम तो सब कुछ जानती हो, करह तखन तहार विधान, इसलिए आप हमारे ऊपर कुछ उपाय करो और हमें प्रोसेस बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। सुरभि बलिल चलिल जाई नवदीप धामे भजी निमाई, एक काम करते हैं, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, सुरभि मैया ने उसका अनुमोदन किया और कहा कि एक काम करते हैं, चैतन्य महाप्रभु की लीला जिस धाम में होने वाली है, सबसे पहले इस स्वर्ग को छोड़कर हम लोग उस धाम में जाते। और सुरभि मैया ने इंद्र का सानिध्य सांस लिया और इंद्र और सुरभि दोनों आए पृथ्वी पर जहां नवदीप धाम प्रकट हुआ है। भगवान अपना धाम पहले प्रकट कर लिए, धाम प्रकट था, धाम का महात्म्य प्रकट नहीं था। आप ध्यान दीजिएगा छोटी छोटी बात पे, वेदों में नवदीप धाम के विषय में वर्णन है लेकिन ऋषि लोग पढ़ते हुए भी नजरअंदाज कर लेते, जैसे आप लोग प्रभुपाद बुक्स पढ़ते हो
पढ़ते हुए कितने नजरअंदाज, क्या पढ़े पता ही नहीं। फिर हम लोग कहते प्रभुपाद ने यहाँ लिखा, तब कोई गुरु आंगली देता है ना कि देखो इस लाइन में, तब आता है कि यार ये तो मैं पढ़ा था लेकिन दिमाग में नहीं था, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। तो ऐसे ही वेदों में ये धाम का महात्म्य था लेकिन अप्रकट था, मतलब ऋषि लोग पढ़ते हुए भी नहीं पढ़े, समझ नहीं आता। चैतन्य महाप्रभु आए और उनके पार्षदों ने यही धाम का महिमा इसी वेदों, इसी चैतन्य अवतार का वर्णन भागवत में है, पुराणों में है, लेकिन प्रकट नहीं। समझ में ये हमारे आचार्यों ने इसको प्रकट किया, आप समझोगे इस भाव। तो सुरभि मैया ने कहा कि नवदीप धाम का मुझे तो प्राकट्य पता है और वो कहाँ है ये भी पता है, इसलिए इंद्रदेव चलो मेरे साथ। देवेंद्र सुर भी ये था ये आसी, नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि देवराज इंद्र और सुर भी दोनों यहाँ पर आए, क्योंकि वो तो जीव गोस्वामी के साथ खड़े थे वहां। गौरांग भजन करी लो बसी, और गंगा जी के पावन तट पर गोद्रुम दीप, आप लोगों के लिए वो एक्सेक्ट प्लेस कौन सा है, आप नवदीप गए होंगे तो वह है सुरभि कुंज। आप लोग भक्ति विनोद ठाकुर के घर से आगे बढ़ते हो और तो बीच में स्थान आता है सुरभि कुंज, जहां पर इंद्रदेव और सुरभि देव स्वर्ग से नीचे उतरे और वहां पर बैठे और बैठकर क्या किया, भजन किया। कौन सा भजन किया, गौरांग भजन। हाँ गौरांग 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 नाम का कीर्तन संकीर्तन भजन चालू किए। गौरांग भजन सहज अति, नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि सबसे सरल भजन किसी का है ना तो गौरांग महाप्रभु का है। क्या सहज तहार फल विकति, पर गौरांग महाप्रभु का भजन तुरंत हमें फल देता है, देर नहीं करता। चैतन्य महाप्रभु का लिया हुआ नाम संकीर्तन तुरंत आपको फल देगा। गौरांग बलिया क्रंदन करे, सुरभि और देवराज इंद्र गौरांग महाप्रभु का कीर्तन करते हुए रोने लगे, भाव उमड़ धाम का, नवदीप धाम का प्रभाव आया कि उसमें प्रेम प्रकट होने लगा। देखो ये जीवन का सौभाग्य है भक्तों, आप लोग वो भजन में गाते हो ना, और वो भजन क्या है, आप लोग हम लोग गाते हैं है ना, गौरांग बलिते हवे फूल का शरीर, कब मेरे जीवन गौरांग बलिते हवे फूल का शरीर, हरी हरी बलिते नयने भैबे नीरा। नरोत्तम दास ठाकुर कहते ना इंद्रदेव और सुरभि का ये पेशा हुआ, क्रंदन करे गौरांग बोलिया क्रंदन करे और गौरांग दर्शन हय सत्वरे, और जैसे ही एक आंख से पानी का बिंदु गिरा गौरांगा, हाँ गौरांगा बोलते ही साक्षात करुणा वरुणालय सचिनंदन गौर हरि इंद्रदेव के सामने प्रकट हो गए। गौरांग महाप्रभु की जय। देखो कृष्ण ही है, कृष्ण बहुत तरसाते हैं, लेकिन अभी जो ये कृष्ण गौर बने हैं ना उसमें ओनली कृष्ण नहीं है, अलोंग विथ राधा, आप लोग जानते हो राधा कृष्ण है, हृदय राधा का है और राधा रानी तो बरसाती है ना, हमने कहा था कृष्ण तरसाते हैं और राधा रानी बरसाती है, बरसाने वाली। तो तुरंत सत्वर करुणामयी सरकार है, तुरंत प्रकट हो गई और दोखी देखी लो गौरांग प्रतिमा खानी, गौरांग महाप्रभु की सुवर्ण मूर्ति सुवर्ण शरीर सुवर्ण रंग देख के देवराज इंद्र तो देखते ही रह गए और दर्शन करने लगे। किवा अपरूप, ऐसा दिव्य रूप कभी देखा नहीं इंद्रदेव कह रहे, और सुरभि मैया प्रेमे गद गद रसेर कूप, और चैतन्य महाप्रभु प्रेम रस के कूप, रोम रोम में रोए होते हैं ना शरीर में, रोम रोम में मानो प्रेम का कुआ भरा हो चैतन्य महाप्रभु के शरीर में, और हसिया बले न ठाकुर मोरे जानी हो वासना वामी में तोरे। गौरांग महाप्रभु ने कहा हे इंद्रदेव तुम्हारे मन की वासना तुम्हारे मन की इच्छा आई नो वेरी वेल, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी क्या इच्छा है, और अल्प दिन आछे प्रकट काले, अभी कुछ ही समय है इसी कलयुग में मैं प्रकट होने वाला हूँ, इसी स्थान पे मैं लीला करने वाला हूँ, और नदिया नगर देखी वो भाले, और इसी नदिया नगर के निवासी मेरे इस सौंदर्य रूप को और मेरी इस रस वर्षण प्रेमा भक्ति के दान को दुनिया देखेगी, लेकिन तुम चिंता मत करो ये लीला समय सेवी वे मोरे माया जाल आर ना धरे तारे, जो भी मेरी गौरांग लीला को सुनेगा
गाएगा उसको माया कभी टच नहीं कर पाएगी। हमारा ये मैं 6-7 दिन गया ना उधर वृंदावन में, तो मैं वृंदावन गया था 6-7 दिन। तो क्या हुआ कि ये सब जो सिस्टम था ना पूरा हमारा यहाँ, वो कहीं ऐसे इधर इधर उधर हो गया था। आज अचानक हमने खोला तो थोड़ा तकलीफ वाला है, इसलिए आप भक्तों को डिस्टर्ब हो रहा होगा थोड़ा, पकड़ लो, क्षमा करना। तो मैं क्या सुना रहा था कि सुरभि मैया से प्रार्थना कर रहे इंद्रदेव गौरांग महाप्रभु उस पर प्रसन्न हो रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं और कह रहे कि माया जाल ना धरे, माया उसे कभी भी परेशान नहीं करेगी, टच नहीं करेगी जो गौरांग लीला को देखेगा। ये तो बोली प्रभु अदृश्य है सुरभि सुंदर तथा रय। तब भगवान चैतन्य प्रकट हो गए और सुरभि और इंद्रदेव को आशीर्वाद दिया कि आपने मेरा भजन किया है, उसका फल प्रेम आप भक्तों को प्राप्त होगा और उसी प्रेम भक्ति के बल पर आप मेरी कृपा को प्राप्त करोगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी यहाँ सुरभि गाय है और सुरभि गाय ने इंद्रदेव के साथ एक बड़ा अश्वत्थ का, अश्वत्थ मतलब बनियान ट्री आपकी भाषा में वट वृक्ष कहते हैं ना, उस बड़ा वट वृक्ष था और वट वृक्ष के नीचे सुरभि मैया ने जप किया तप किया इंद्रदेव के साथ। तो आप ध्यान दीजिए, सुरभि गाय को गो कहते हैं और वृक्ष को द्रुम कहते हैं, संस्कृत में वृक्ष को क्या कहते हैं, द्रुम। तो इसीलिए इंद्र नित्यानंद प्रभु ने कहा मिल रहा है प्रभु, तो गोद्रुम दी अर्थात गो माने सुरभि गाय और द्रुम माने अश्वत्थ माने बनियान, अंग्रेजी बनियान ठीक है ना, अश्वत्थ वृक्ष। तो उस दोनों का मिलन हुआ और जिसके नीचे गाय और इंद्र ने तप कहके चैतन्य महाप्रभु ने दर्शन दिया। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा हे जीव गोस्वामी, सुरभि गाय ने यहाँ जप तप किया, गौरांग की कृपा प्राप्त की इंद्र के साथ, तो ये गो और ये बड़ा अश्वत्थ का वृक्ष है जिसके नीचे ये दोनों ने बैठ के भजन किया था, तो द्रुम, द्रुम माने ट्री, गो माने काव, तो गो द्रुम दी। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु की इस लीला स्थली को गोद्रुम दीप कहते हैं। ये नित्यानंद प्रभु ने गोद्रुम दीप के नाम की लीला कथा बताई और फिर नित्यानंद प्रभु ने नदिया गोद्रुमे नित्यानंद महाजन पाती अच्छे नाम हट जीवे रख। ये जो नाम हट हम लोग चलाते ना भक्ति वृक्ष भक्ति विनोद ठाकुर का, इसके मूल फाउंडर नित्यानंद प्रभु है और उन्होंने नाम का दुकान यही सुरभि कुंज से ही खोला था, क्योंकि कीर्तन किया था गौ गौ माता ने और इंद्रदेव ने और चैतन्य ने दर्शन दिया था। तो ये है गोद्रुम द्वीप के विषय में नित्यानंद प्रभु के द्वारा जीव गोस्वामी को दिया हुआ कथा। आज इतना ही, गोद्रुम द्वीप से आगे बढ़ते हुए वहां की लीला को कल सुनेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो धन्यवाद आप सभी भक्तों को कि समय निकाल के सुना, कुछ त्रुटि हो तो सुधार लेना और हमारी सिस्टम थोड़ी इधर उधर है तो आज थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ, इसके लिए मैं आप सब भक्तों को क्षमा मांगता हूँ और कल से ठीक करने का प्रयास करेंगे। आप स्टैंड वगैरह इधर उधर गिर गया था तो नहीं हुआ और कल सुनेंगे। हरे कृष्णा, थैंक यू, जय श्री प्रभुपाद। अति सुंदर प्रभु जी, वेरी नाइस। बहुत दिनों के बाद, हाँ 10 दिन के बाद आप भक्तों की सेवा में आए। अच्छा, तो आप आने से पहले हम राधारमण महाराज ने